श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पहले प्रकाश पूर्व मौके आज गुरुद्वारा श्री रामसर साहिब तो सचखंड श्री हरमंदर साहिब तक पांच प्यारिया दी रहनुमाई विच एक विशाल नगर कीर्तन सजाया गया, जिस विच हजारा दी गिनती विच श्रद्धालु शामिल होए। इस मौके सचखंड श्री हरमंदर साहिब विखे देसी ते विदेशी फूलां नाल सजावट कीती जांदी है। इस बार कलकत्ता, बेंगलोर, पूना अते केरल आदि थावां तो फुल मंगवा के श्री दरबार साहिब दी सजावट कीती गई। करीब 25 तो 30 टन फुल सजावट लई वरते गए। इस मौके श्री दरबार साहिब विखे पहुंचे श्रद्धालुओं विच काफी उत्साह देखन नूं मिलिया। इस मौके श्री अकाल तख्त साहिब जी दे जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने देश विदेश विच रहन वाले पंजाबियों नूं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पहले प्रकाश पूर्व मौके वधाइयां दित्तियां। गुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह दा पहला प्रकाश पूर्व है। सब तो पहले तो मैं पूरे सिख जगत नूं जिहड़े सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह दे अनुयायी ने, मनण वाले ने, गुरु के सिख ने, उन्हां नूं कोटां बार वधाई पेश करदा। मैं बेनती भी करदा हाँ कि सानू गुरसिखो ये जिहड़े प्रोग्राम प्रकाश पुरब मनाने, नगर कीर्तन करने, ता ही सार्थक हो सकते हैं जे असी श्री गुरु ग्रंथ साहिब की मर्यादा के मुताबिक अपना जीवन बसर करिए। अज सिख पंथ नूं बेअंत चुनौतियां हन सामने साडे, उह चुनौतियां दा भरपूर टाकरा करन वास्ते सानू साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह दा हुक्म है, जो महाराज सच्चे पातशाह ने सानू कहा, रहनी रह सोई सिख मेरा, ओ साहिब मैं उसका चेहरा। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह दा महाराज दा हुक्म मनिए, सब सिखां नूं को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। अज दे दिन दे विच सानू गुरसिखां नूं इह अहद करना चाहीदा है कि सानू सिख नूं सब तो पहला श्री गुरु ग्रंथ साहिब, बाकी दुनिया पिछे अज बेअंत चुनौतियों का भरपूर अपना टाकरा करिए, ता ही असी अपने जीवन के सफल होवांगे, ता ही असी जकी सिखी का प्रसार ते प्रसार कर सकांगे। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हमेशा उचेचे प्रबंध करदी उपराले करदी है। अज फिर गुरुद्वारा रामसर साहब तो चल के श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह दी नगर कीर्तन के रूप के गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह गुरु सच्चा श्री हरिमंदर साहब इतने पहुँच चुके हैं। बहुत बहुत सिख जगत को बधाई। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। पहले प्रकाश दिहाड़े की, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पहले प्रकाश दिहाड़े दी लख लख बधाइयां सारी संगत नूं जी। ये जिहड़ा पहला प्रकाश दिहाड़ा आ, हर साल इस तरह बड़ी धूमधाम के नाल सारी संगत मनाउंदी है, और असीं बड़े अपने आप नूं भागां वाले समझदे हाँ, वड्डे भागां वाले समझदे हाँ कि सानूं यह मौका मिलता है, सेवा का मौका मिलता है, और असीं यह चाहते हैं कि सारी संगत जो भी है असीं एक गुरु नूं ध्याए और अपना जीवन जिहड़ा है वह सफला करे, उन्हां दी सिख्यावां नूं चले। वाहिगुरु जी का खालसा। संगत नूं बेनती की जाती है कि प्रकाश दे देश मंदर पातशाह वालों गुरु दी संगतां वल्लों फुल्लां दी सजावट की गई है। सब परिवार सारा परिवारां नूं इहनां दी बड़ी 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 वधाई होवे। मैं अपने ये मोढ़ियां ते गोढ़ियां तो बहुत दुखी सी। मेरे लिए तो तुरना फिरना भी इन्ना औखा होया सी, मैं दस भी नहीं सकदा, पर जद तो मैनू फिर रिलीफ मिलिया 2.5-3 महीने इस्तेमाल करन तो बाद गोडे भी ओके, मोढ़े भी ओके। जी तुसी भी किसी इस तरह की बीमारी तो परेशान हो तो बेझिझक होकर इस नूं इस्तेमाल करो। सिर्फ 2.5-3 महीने ये 125 बीमारियां तक दे इलाज कर सकता है। फी रिलीफ हमेशा याद रखो। बस कुछ दिनों तो मैनू बालों की बड़ी समस्या सी, मेरे बाल झड़ने शुरू हो गए सी। मैनू मेरे दोस्त ने ऑयल फी रिलीफ वाले दस्या, मैं ये तेल 3 महीने लाना अपने सिर पर अप्लाई किया, ये बिल्कुल आयुर्वैदिक तेल है, इहदा कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो मेरे बाल जिहड़े गंजपन पैना शुरू हो गया सी, वो दुबारा आने लग गए, तो मैनू तो बड़ा फायदा दिता इसने। जे तुहानू भी किसी इस तरह की प्रॉब्लम का तुसीं सामना कर रहे हो तो यह तेल लाना ना भुलो। कितना कितनी असीं अपने बालों करके शर्म फील करते हैं, कितनी सोसाइटी बैठे हैं कि कोई मजाक ना कर रहा है, पर थैंक्स टू फ्री लीव जिन्हें मेरा एक कॉन्फिडेंस बिल्ड किया, जिसे लगान नाल मैं मार्केट से बड़ा ही कॉन्फिडेंट हाँ, और ये मैंने बड़ा फायदा होया। तो मैं सर्वाइकल की भी दिक्कत सी, तो वह भी मैं बड़ा रिलीफ मिले। यूज़ करो तो मैं प्रैक्टिकल यूज़ कर रहा।